Hello, I welcome you all to YouTube channel of Renaissance Academy. इस बार हम तीन क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि गेट 2021 में आ चुके हैं और जो कि कॉमन टॉपिक होते हैं जैम में, तो वो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आया था, वैसे तो दो क्वेश्चन डार्सी लॉ पे आए थे पर वो काफी इजी थे, वो हर किसी को बन जाएंगे. आप थोड़ा डार्सी लॉ का इक्वेशन अच्छे से करके चलिए. ठीक है, तो उसमें ग्रेडियंट भी दिया था, उसमें से कंडक्टिविटी निकालनी थी. ओके, क्यू भी दिया था, एरिया भी दिया था, तो इजी था. एक ड्रेनेज डेंसिटी पे भी क्वेश्चन आया था. ओके, वो भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो ये क्वेश्चन जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं. ओके, देखा जाए तो एक जहाँ तो गेवन हर्ज़बर्ग रिलेशन पे आया था, जिसका रिलेशन जेड इज इक्वल टू 40H हमको पता है, दिस इज शॉर्ट रिलेशन. बट अनदर इक्वेशन जेड एफ रो एफ मीन्स डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर माइनस डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट ऑफ फ्रेश वाटर अबो एमएसएल. ओके, तो उसमें हाइट अबो एमएसएल, दिस इज योर एमएसएल लेट्स से, सो हाइट अबो एमएसएल एचएफ जो है वो 1 मीटर दिया हुआ था. देन डेंसिटी ऑफ फ्रेश वाटर जी थी 1.001 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई थी. देन डेंसिटी ऑफ सलाइन वाटर 1.025 ग्राम पर सीसी में दी हुई थी. सो जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हाइट जो है वो मीटर में है और डेंसिटी जो है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में. ओके, तो आपको पता है व्हेन वी कन्वर्ट ग्राम पर सीसी इनटू केजी पर मीटर क्यूब, हमको क्या करना है, सिंपली यू कैन मल्टीप्लाई विद 1000. ओके, तो इसको आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. ओके, तो आपको रो एफ का मिल जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो 1001 मिल जाएगा आपको. देन रो एस अगेन मल्टीप्लाई विद 1000 क्यों कर रहे हैं हम इसको अभी केजी पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक है, फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हमको 1025 मिल जाएगा. नाउ हम इस रिलेशन में पुट करेंगे. ओके, तो क्या आ जाएगा, रो एफ तो 1001 डिवाइडेड बाय 1025 माइनस 1001. ओके, मल्टीप्लाई कर दो तब ये केजी प्लस मीटर क्यूब में आ जाएगा. ओके, ये भी केजी पर मीटर क्यूब में आ जाएगा. अगर इसे नहीं भी कन्वर्ट करते हैं तो भी कोई इशू नहीं है क्योंकि रेशियो में है. ओके, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी रखते हो तो वो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, हाइट जो है मीटर में आपको मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हाइट जो है ये आपको 1 मीटर दी थी, तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना, कोई एक ही बात है. इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 1001 डिवाइडेड बाय 1025 माइनस 1, सो ये आपका 24 आएगा. और इसे डिवाइड कर दो आप, ये 41.7 के करीब कुछ आता है. ओके, मीटर. ओके, तो वैल्यूज आर नॉट इम्पोर्टेंट. ओके, वैल्यूज तो बदल भी सकती है. ओके, यू नीड टू फोकस ऑन कंसेप्ट. मे बी आप पे भी इस पर हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए या न्यूमेरिकल ही बन जाए थोड़ा बहुत चेंजेस करके लाइक दिस. ओके, तो ये भी एक आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है. ठीक है, when you are preparing for jam 2021, okay, इस पे भी थोड़ा फोकस करिए. देन ट्रू थिकनेस, जैम के लिए भी ये क्वेश्चन काफी फेमस होता है, कई बार आपको ट्रू थिकनेस पे क्वेश्चन देखने को मिले हैं. तो एक क्वेश्चन आया था गेट में जिसमें बोला गया था कि वन बेड, एक शेल बेड था जो कि 60 डिग्री डीप हो रहा था. ओके, 60 डिग्री डीप हो रहा था, एक वर्टिकल बोरहोल हमने यहाँ से लिया. ओके, वर्टिकल बोरहोल उस बेड को एक 10 मीटर के करीब इंटरसेक्ट कर रहा है. इंटरसेक्ट करने के बाद वो उस शेल बेड को करीब 5 मीटर पेनिट्रेट कर रहा है. ओके, आई एम नॉट श्योर अबाउट द एग्जैक्ट वैल्यू, 5 मीटर था या 3 मीटर था, हम एज्यूम कर लेते हैं कि इट इज 5 मीटर. ओके, तो 5 मीटर बेड को पेनिट्रेट कर रहा है, तो हमको इसका ट्रू थिकनेस पूछा गया था शेल बेड, और यहाँ पे हमको सैंडस्टोन का कॉन्टैक्ट था. ओके, तो हमको यहाँ पे ट्रू थिकनेस पूछा गया, तो हम क्या करेंगे ट्रू थिकनेस के लिए, यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन निकालेंगे. ठीक है, ये एक्स, यू नीड टू कैलकुलेट दिस एक्स. ओके, इन मीटर, तो ये आपके ट्रू थिकनेस कैलकुलेट. पर यहाँ पे हमारे पास एंगल नहीं है, तो एंगल के लिए ये था, ये 60 डिग्री है, मतलब ये 60 डिग्री हो गया करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन. ओके, अगर आप यहाँ से ये लाइन एग्जैक्टली पैरेलल इसको निकालते हो, ठीक है, और ये बेड है डीप हो रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा, बराबर है, क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल. ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल होते हैं, तो ये हो गया आपका 60 करस्पॉन्डिंग एंगल रिलेशन से.
ये 60 हो गया, ये जो है ये 90 डिग्री है क्योंकि वर्टिकल फॉर्मेट है और ये हमने हॉरिजॉन्टल निकाला है यहाँ पे पैरेलल, ठीक है। तो ये 90 हो गया, अगर ये 90 हो गया ये 60 हो गया तो ये पूरा एंगल कितना रहेगा 180 रहेगा, ओके लीनियर पे रिलेशन से। सो 90 प्लस 60 150, तो ये कितना बचा 30, तो ये आपका एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपके पास एंगल मिल गया, आपके पास ये वैल्यू है 5 मीटर और आप यू कैन इजीली कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक्स, ओके। सो ठीक है, सो ये आपके पास ट्रिक है PBB HHB, तो आपके पास अपोजिट साइड है, ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर, और आपके पास हाइपोटेनस है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मतलब आप क्या लगाओगे, साइन लगाओगे। सो अप्लाई साइन 30, तो साइन 30 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो एक्स अपन इट्स अपन, ओके। सो साइन 30 कितना है, हाफ, वैल्यू ऑफ साइन 30 हाफ है, तो 1/2 = एक्स बाय 5 के इधर ले जाओ, तो 5/2 = एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2.5 मीटर। तो ये हो गया आपके ट्रू थिकनेस, ओके। इस तरह से क्वेश्चन था, ये वैल्यू बदल भी सकती है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रही क्या वैल्यू थी, पर हम एज्यूम करेंगे, ओके। क्वेश्चन इसी तरह से था, तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर जैन, ओके। एक क्वेश्चन आता मोर सर्कल पे, मोर सर्कल जो कि इंजीनियरिंग जियोलॉजी से बिलोंग करता है, स्ट्रक्चरल जियोलॉजी से भी बिलोंग करता है, और मोर सर्कल पे जैम लेवल पे क्वेश्चन काफी कम ही देखे, मतलब ना के बराबर कभी आया नहीं है, ठीक है। फिर भी प्रिपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसको एंडरसन थ्योरी को भी जोड़ा गया था, ओके। एक फॉल्ट दिया था जो डीप हो रही थी 60 डिग्री से, मतलब आपको थीटा दिया गया था 60 डिग्री, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस दिया था, तो मैक्सिमम हमारा सिग्मा 1 होता है जो कि हमने 30 दिया है, सिग्मा 2 जो था 10 दिया था, और आपको नॉर्मल स्ट्रेस, ओके, सिग्मा एन मतलब नॉर्मल स्ट्रेस आपको कैलकुलेट करना था जो कि पूछा गया था, ठीक है। तो वैल्यू गिवन है सारी, सो 30 + 10/2 -30 - 10/2 cos 2 थीटा है, तो थीटा जो कि 60 है, तो 2 थीटा क्या हो जाएगा 120, ठीक है। तो 30 + 10 = 40/2 ये आ जाएगा 20, -30 - 20 / 2 ये आ जाएगा 10, मल्टीप्लाइड बाय cos 120 ये कुछ -0.5 आता है, ओके cos 120, ओके यू कैन यूज योर साइंटिफिक कैलकुलेटर, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, सो 20 प्लस ये 0.5 × 10 हो जाएगा 5, आपको वैल्यू मिल जाएगी नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, यूनिट में भी किलो न्यूटन कुछ तो भी था, तो वैल्यू आ जाएगी 25। इस तरह से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला, ठीक है। तो ये 3 न्यूमेरिकल थे, एक और ड्रेनेज डेंसिटी के ऊपर क्वेश्चन था, ठीक है। हमने टेस्ट सीरीज में और आपको चैनल पे बाकी टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन था जो कि गेट में एग्जैक्टली आया है, ओके। इवन ड्रेनेज डेंसिटी भी कॉपी होगी उसमें, आपको यहाँ पे ड्रेनेज डेंसिटी जो कि 0.8 per km आपको गिवन थी, देन फर्स्ट ऑर्डर के लिए कुछ वैल्यू दी थी, जैसे 100 मीटर हम ले लेते हैं लेंथ दी थी, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए जैसे 150 हम एज्यूम कर लेते हैं, थर्ड ऑर्डर के लिए 110 ले लेते हैं, और फोर्थ ऑर्डर के लिए आपको निकालनी है, मैंने इसको एक्स मीटर एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो ड्रेनेज डेंसिटी का फॉर्मूला आपको बताया, ड्रेनेज डेंसिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ लेंथ, ठीक है, टोटल लेंथ अपॉन एरिया, एरिया भी आपको गिवन था, एरिया कुछ गिवन था 30 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है 30 किलोमीटर स्क्वायर, वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, बट क्वेश्चन इसी तरह से। तो आपको यहाँ करना क्या था, ड्रेनेज डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, देन 0.8 दी है, लेंथ है 100 मीटर प्लस 150 मीटर प्लस 110 मीटर, और फोर्थ ऑर्डर की हमको निकालनी है, एरिया दिया है 30 किलोमीटर स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है। ये सारी किलोमीटर में एज्यूम कर लो, किलोमीटर में, ओके।
किलोमीटर में गिवन थी, ठीक है। तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आप क्या करोगे, 0.8 मल्टीप्लाइड बाय 30, ओके, इज इक्वल टू ये कर दो, हो जाएगा 360, ओके, 360 प्लस एक्स, ये हो जाएगा 24 240 24 360 = x, ठीक। ये एरिया थोड़ा ज्यादा रहा होगा, एरिया एक काम करते हैं, एरिया को 300 कर दो, ठीक है, 300 एक्स कर दो, 300 किलोमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 300 करते हैं तो 240 हो जाएगा, फिर भी कम हो जाएगा, है ना, ठीक। लेंथ कम कर दो, ठीक है, लिमिट, तो इस तरह से था, ठीक है। लेंथ थोड़ी कम थी, लेंथ कम होगी, लेंथ की जो सॉरी फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर लेंथ है उसको कम एज्यूम करो, ठीक है, कम हो रही होगी। ड्रेनेज डेंसिटी यही थी, एरिया थोड़ा बड़ा था, है, तो जिससे आपको वैल्यू पॉजिटिव मिली, वैल्यू निगेटिव नहीं आ सकती, वैल्यू आपको पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव आ रही क्योंकि मैंने वैल्यूज जो है मैंने एज्यूम की है, इस वजह से वो मिस्टेक हो रही है। इसको अगर कम एज्यूम कर देते, लेंथ को हम कम कर देंगे तो वैल्यू पॉजिटिव में आ जाएगी, तो इस तरह से, तो ड्रेनेज डेंसिटी पे, ठीक है, टू थिकनेस के बेस पर, देन साल्ट वाटर इंट्रूजन रिलेशन जो गेवन हर्ज़बर्ग रिलेशन के ऊपर था, और मोर सकते हैं, इस तरह से कुछ ये इम्पोर्टेंट है जो जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट बन सकते हैं, ओके। सो व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर जाम 2021, ओके, इन पर भी थोड़ा ध्यान रखिए, यू नीड टू फोकस ऑन दिस टॉपिक एज वेल, ओके, थैंक यू।